रेलवे में सुबह आप स्टेशन पे यहीं पे लगवाया है सर। कुछ बता सकते हो आप? हाँ, क्राइम पेट्रोल कर रहा हूँ होस्ट। क्या बोल रहे हो? क्या बात है, क्राइम पेट्रोल। गौर से देखिए इस इंसान को, गौर से देखिए इस इंसान को, इस आदमी को। तो यही है वो, यही है वो, यही है वो। तो फुल बटर डाल के, कोई कंजूसी नहीं। भूख भी लगी थी, लंच टाइम भी हो रखा है, भूख तो और लगी थी। All set. I love driving way too much. I'm stupid. याद है ना gears कैसे change करते हैं? Of course. All right then, see you guys. See you, bye. उफ, ये मुंबई की गर्मी। बट टेंशन नॉट काम्या, इस कूल स्टाइलिश और स्टनिंग स्कोडा कोशाक में हम जाएंगे आज के सेलिब्रिटी को पिकअप करने। और इसमें होगा बॉम्बे जर्नी और संडे ब्रंच का क्रॉसओवर एपिसोड। अब गाड़ी तो पता है, गेस्ट कौन है हमारा? ये देखिए, इन्होंने मोंटा तो देख ही लिए, तो विक्रांत मस्सी से गाड़ी भी चलवाएंगे और थोड़ा डोसा भी खाएंगे, क्या बोलते हो? कांट वेट। चलो भाई, धूप ले थोड़ी सी मुंह पे। ओहो, थोड़ा एसी लेते हैं। हाँ यार, थोड़ा एसी तो बनता है, बहुत गर्म है यार। क्या गर्मी हो गई यार, देखो बॉम्बे में बहुत गर्मी। विक्रांत भाई, वेलकम टू द बॉम्बे जर्नी एंड द संडे ब्रंच। यस, पावर्ड बाय स्कोडा। बहुत बढ़िया है यार, बहुत बहुत बढ़िया। सो गुड टू सी यू मैन, गुड टू सी यू टू। 3 इयर्स पैंडेमिक से पहले मिले थे भाई से, तो मिलता रहता हूं 8 महीने बाद मिले वैसे भाई से तो मिलता रहता हूं बट आई एम सीइंग यू आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। और इनफैक्ट पिछली बार मिले थे तब वर्सोवा में थे। या नाउ आई एम कब शिफ्ट हो गए भाई, आप कंफर्टेबल हो? लो, बहुत कंफर्टेबल हो जाओ। अगर आलती पालती मारते हो और ऐसे बैठते हो आप जनरली ट्रिप्स पे, तो दैट्स हाउ यू एक्सप्लोर द वर्ल्ड यार। बहुत लाइक रूम है, मैं भी बहुत कंफर्टेबल हूं। बहुत अच्छी गाड़ी है, बहुत अच्छी गाड़ी है स्कोडा की, बहुत ही अच्छी गाड़ी है, वेरी नाइस। बहुत लाइक रूम है, बहुत लाइक रूम है। नहीं नहीं, मैंने सीट को ऑन किया, ये सनरूफ खोल दिया है। अभी हम अपने बात करेंगे मड आइलैंड के बारे में। बिल्कुल, हैज इट कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है मड वापस आके? यू मस्ट बी हेटिंग मी ना, कि आई प्रॉब्ली एम द ओनली वन जो इस खोपचे में रहता है यार। नहीं नहीं, पंकज भाई और हमारे राजपाल भाई वो सब यहीं के हैं, सब यहीं हैं। नहीं, पर यू नो, फॉर एनी मुंबईकर एंड यू बीइंग अ मुंबई बॉय, हम हमेशा मड आइलैंड को थोड़ा ऐसा आउट ऑफ मुंबई समझते हैं। या, तो ये डिसीजन कैसे लिया आपने कि मैं मड आइलैंड शिफ्ट हो जाऊं? यार वैसे है बहुत अच्छी जगह है, तो बहुत सुकून मिलता है, बहुत सुकून। यहाँ पे ना दिन का और रात का एहसास है, मतलब द सन राइजेज, यू एक्चुअली फील कि हाँ सुबह है। तो यार डिसीजन वाज वेरी सिंपल एक्चुअली, पता है लॉकडाउन के टाइम पे सब घर पे थे और जिस बिल्डिंग में मैं रह रहा हूँ वो मेरे बेडरूम से दिखती है, वर्सो वाले घर के बेडरूम से दिखती है। ओह अच्छा। एंड तो क्या ये छोटी सी आशा थी, छोटी सी आशा थी, ये वही थी, मतलब खिड़की से देखते रहते थे शीतल और मैं। सो वी वर देयर इन लीला सागर इन वर्सोवा, वो मंदिर मस्जिद नहीं है? हाँ जी, मंदिर से राइट मार के अंदर जाते हैं वहाँ पे। अच्छा। तो लॉकडाउन पे हम लोग क्या करते थे, शाम को ना चाय वाय अपना बना के ट्रे वे लेके सब, मतलब आधी सोसाइटी ऊपर बैठती थी छत पे। तो शीतल एंड आई वाज स्टैंडिंग वन इवनिंग एंड रोज ये बिल्डिंग दिखते थे, बेडरूम से दिखती थी, मतलब पूरा दिन रहती थी। इट ऑलमोस्ट बिकेम नॉन एग्जिस्टेंट आफ्टर व्हाइल बिकॉज़ यू गेट सो यूज्ड टू इट, राइट? यू डू। तो छत पे खड़े होकर हम घर लेने का सोच ही रहते थे। इनफैक्ट वी वर थिंकिंग ऑफ मूविंग ऑन रेंट। तो हमने सोचा कि यार चलो थोड़ा सा यू नो बैंड्रा हम भी जाएंगे, खार हम भी जाएंगे। वहां गए, वहां फ्लैट वैट्स देखे एंड देन सडनली वी डिसाइडेड कि वी विल नॉट बाय ऑन रेंट, वी विल नॉट रेंट अ हाउस, वी विल बाय अ हाउस। सुपर। ओके, तो अभी तक एक्सप्लोर किया कि नहीं मड आइलैंड आपने? वो तो बहुत कर लिया यार, मेरी शूट भी इधर ही चल रही है। कौन सी वाली? सो देयर इज अ शो दैट आई एम होस्टिंग नाउ। अरे वाह, यस रियली, तो हमारे से आप वो ले रहे हो लर्निंग्स अभी हैं? आप ही गुरु, गुरु आप ही गुरु हो मेरे। मैं शो आप होस्टिंग पे यहीं पे लगवाया है सर। कुछ बता सकते हो आप? हाँ, क्राइम पेट्रोल कर रहा हूँ होस्ट। क्या बोल रहे हो? क्या बात है, क्राइम पेट्रोल। गौर से देखिए इस इंसान को, गौर से देखिए इस इंसान को, इस आदमी को। तो यही है वो, यही है वो, यही है वो। सो दैट तो मैंने बोला कि यार ठीक है, थोड़ा मड में ही कर लो, फिर थोड़ा आराम से फिर बाइक वाइक पे चले जाता हूँ मैं कभी कभी। बेस्ट है, बेस्ट है, बेस्ट लाइफ। सो आई एम वेरी हैप्पी इन मड। काम घर के पास हो अगर मुंबई में, आई थिंक दैट्स द बिगेस्ट ब्लेसिंग। या या, एंड द जेटी इज आल्सो सुप्रीमली कन्वीनिएंट एक्चुअली। इट इज, इट इज, इट इज। इट टेक्स 5 मिनट्स टू रीच जेटी, इट टेक्स अ मिनट एंड अ हाफ टू क्रॉस द जेटी एंड यू आर इन वर्सोवा। जिन लोगों को नहीं पता है, जेटी यूं हलती है, पीछे होती है, यू टर्न मारती है और खड़ा कर देती है। कई बार आप जाते हो जेटी में? या या, मास्क वास्क गॉगल्स पहनकर या चेहरा छुपाकर? या नहीं, ऐसा नहीं, मास्क लगाकर। मास्क इज मोर देन इनफ, तो मतलब आधा मुंह तो उससे छुप जाता है। करेक्ट। तो फिर भी पहचान जाती होगी जनता? नहीं,
हाँ बट देन अच्छा अच्छा भी लगता है ना यार, इसीलिए तो काम कर रहे हैं कि नहीं भाई। आपको मैं एक चीज बताता हूँ, हमारे फर्स्ट एपिसोड पे जो 8 महीने पहले रिलीज हुआ है, आप वन ऑफ द मोस्ट रिक्वेस्टेड सेकंड पार्ट एपिसोड। सीरियसली? या थैंक्स गाइस, थैंक यू फॉर मेकिंग इट इवन बेटर विद अदर नाउ। यस, क्रॉसओवर मिल गया, मजा आया। विक्रांत और मैं मिले थे 3 साल पहले, तब शादी नहीं हुई थी इनकी। वी मेट एट 4, राइट? वी मेट एट 4, वी हैड सम चाइनीज फूड एंड यू वर सिंगल, लाइक यू वर डेटिंग बट यू वर नॉट मैरिड। तो अब कैसे लाइफ बदली है शादी के बाद? नहीं, क्या क्या हुआ है बता यार। फैमिली रेगुलर मिडिल क्लास माइंड सेट, शादी, इंस्टीट्यूशन, ये वो, मतलब वी वर ऑलवेज एक्साइटेड। विद इन मी क्वाइट अ लॉट ऑफ थिंग्स हैव चेंज्ड, ऑफ कोर्स, यू नो, आई थिंक आई हैव बिकम मोर रिस्पॉन्सिबल, ऐसा लगता है। Did you have a conscious shift happen in your brain? Yeah. I'm supposed to be now. Yeah. Prime and proper. काफी सारी चीजें हैं जो मतलब अब, you know, a lot of things have taken a backseat, a lot of things have taken precedence post marriage, and I'm loving it. But you're anyway in a living, यार, हम 7 साल तो साथ में थे। वही। ये जैसे आपका forensic वाला dance एक बार मेरे को करके दिखाना, ठीक है? FID में उतर के। Moonwalk. अरे यार वो cool बंदा है, cool बंदा है। Start में he's like the most interesting forensic guy you will ever see. But he's quite a dancer, you know that, right? Yeah. अरे हम लोग दोनों शामक वाली पब्लिक का इधर ही बात की है। अच्छा। हम दोनों SDIP वाले हैं ना। Yeah, this guy is really good. पता है कभी भी फूल पत्ती चाहिए हो ना, he has everything. महंगा है रे थोड़ा। Because he has everything, he's good. He's very good. तापसी से मैंने प्लांट्स की बात की थी, उनके घर पे मनी प्लांट का सैलाब आया हुआ है। हाँ, और मनी का भी। It's correlated ना। जितना लंबा मनी प्लांट होगा उतने ज्यादा पैसे आएंगे। But she deserves it. She works very hard. अभी हम हसीन दिलरुबा, फिर आई हसीन दिलरुबा की शूट कर रहे थे। क्या बात? Oh, part 2 आ रहा है। Part 2, yeah. We are almost done with the film. We just have a schedule left in Bombay. That is one of my favorite movies. मतलब जो क्लाइमेक्स था ना, totally unpredictable. Thank you. ऐसा सही है आपका latest Who Done It? Gaslight, लेकिन वैसा वाला मीनिंग नहीं है जो गैसलाइट का मीनिंग होता है। In a way, हो सकता है। In a way it is. हो सकता है। मैं कह रहा हूँ, it is. Not a lot of people know what gaslighting is, and also, you know, this particular genre gives us that space to explore that thing, you know. तो gaslighting है इस फिल्म में, बहुत ही subtle तरीके से है, but more or less, तो you know that it's a classic thriller, it's a whodunit, and इनक्रेडिबल मतलब वो तो पब्लिक में शी इज दैट राइम क्वीन, दिस crazy humor, but she's so intelligent, yaar. Wo matlab there is a different side to her which I don't think a lot of people know of. Is it like what? She's very intelligent. Oh, for sure. Yeah. Matlab, and when I say intelligent, sirf academy, not as an academia, yeah, academically nahi keh raha main. I think just aware. Yeah. Impeccably aware as a person, and you know, she's. She's got, like, in at this young age, na, काफी experiences हैं उनको, बहुत ही सुलझी हुई हैं, अगर मैं कह सकूं। नहीं, आप सही बोल रहे हो, बहुत सुलझी हुई है वो। And she's a foodie. I love eating with her. Oh, is it? I love eating with her. क्या क्या खाते थे आप लोग? भाई उसका तो खाना fixed है, ठीक है? ठीक है। हाँ, उसका एक chicken, homemade chicken curry. अच्छा जी। हाँ, फिर पालक या कोई ग्रीन वेजिटेबल होना चाहिए, सैलेड, मतलब इतना दुनिया भर का खाती है वो। Balanced max. Balanced, but I love eating with her, यार। आप वो वाले लोगों में से हो ना जिनका खाना किधर जाता है खुदा को मालूम। खुदा को मालूम। पर मैं खाता बहुत। हम मेटाबॉलिज्म अच्छा है, आपको बात हो चुकी है। यार मेटाबॉलिज्म अच्छा खासा है, बहुत स्पोर्ट खेला ना, तो बहुत मतलब वो एक एक बॉडी स्ट्रक्चर भी बनी जाता है ना मेटाबॉलिज्म आपका, इट काइंड ऑफ टेक्स इट्स ओन शेप आफ्टर सम टाइम। आपका लंच कैसे होता है? आप क्या खाते हो? मैं क्या खाता हूँ रोज? मेरा भी फिक्स्ड ही है यार, दाल चावल सब्जी होती है एक रोज अलग,
जो बेसिक होता है। आपको डोसा बहुत पसंद है ना? डोसा बहुत। लास्ट टाइम आपने बताया। I love डोसा। We can go to Mindspace Malad. Of course. And have dosa there. Of course. Yeah. Why not? खाया नहीं है ना कुछ? आपको पता है ना curly tails वाले हमेशा कुछ खिलाते हैं। Yes. Okay. Good. और मैंने नाश्ता भी आधा पेट इसीलिए किया है। Same same. ताकि यार हम जम के खाएंगे ना। Of course. अब हम लोग तो बहुत जाते थे उधर रात के 2 से लेके 5 बजे तक। आपको रात को मतलब 35 रुपए की फ्रैपे विद व्हिप क्रीम मिलती थी। हम अपनी बाइक पे बैठ के जाते थे और वहीं से आते थे। तो बैक रोड भी काफी बड़ा था। आपका पहला जॉब कौन सा था? मेरा पहला जॉब पहली कमाई So I used to work in a coffee shop. That was very brief, like for like 8 or 9 months. So my first paycheck came from there. कितने का था याद है? 800 रुपए. 800 रुपए. 800 bucks. Yeah. No, you're joking. महीने के? महीने के 800 रुपए. कितने साल पहले की बात है ये? ये तो आपका 15-14 साल पहले। This is 2003. साफ नहीं करता था मैं। साफ सफाई का मेरा था, स्टॉक करने का मेरा था, you know, to keep the cabinets and all of that clean, because I was underage also. Yeah. So they didn't sort of put me at the front because they would get into trouble. And but that lady was really kind. I remember उसके ऊपर ही उनका ऑफिस था, फर्स्ट फ्लोर पे, नीचे कॉफी शॉप थी। I told her कि भैया मुझे काम चाहिए, बिकॉज मेरे को बहुत प्रॉब्लम है पैसों की, ये हो। एंड शी सेड यू नो इफ एनीवन गेट्स टू नो दैट वी आर हायरिंग समवन हु इज अंडर एज वी विल बी किल्ड। बट शी वांटेड टू हेल्प यू। या शी वांटेड टू हेल्प मी आउट यार। शी वाज अ फैबुलस वन। डिड द 800 रुपीस हेल्प यू? या यार, मेरा कॉलेज का आईडी कार्ड बना था उससे यार। ओह रियली? या या, आई वाज इन नेशनल्स, तो आईडी कार्ड के अलग पैसे लगते थे वहां पे। वो तो फेलो नेशनल है। या ही स्पोक लास्ट टाइम अबाउट यू आर उसके बगल में वो शुगर केन जूस वाला होता था। ऑटोमेटिक कब चलाई थी लास्ट? मथुरा and in and around, तो आते वक्त रात को my driver ना, मतलब अब बेचारों को भी मतलब 2-2 घंटा पहले बुला देते हैं, निकलना होता है 2 बजे, उनको बुला लेते हैं 10-11 बजे, तो I felt कि यार थोड़ा उस बेचारा ना नींद में था, night shift करके हम लोग वापस आ रहे थे, तो I told him कि आप बैठ जाओ, let me drive, and it was a fabulous drive, और पता नहीं लगता भाई आप कितनी स्पीड का बनोगे, हाँ, गजब, गजब, world class, यमुना एक्सप्रेस वे पे हम लोग जान के मेंटेन कर रहे थे। हाँ। क्योंकि आपको नहीं पता चलता आपका एक पैसा ऊपर चले जाएंगे। और वहाँ पे काफी स्ट्रिंजेंट है यार वो, मतलब नहीं करने का, स्पीड मत करो भाई, प्लीज। हाँ, ओवर स्पीडिंग बिल्कुल नहीं। देखिए क्या है ना कि हम लोग तो बैटरी चेंज करने रुके थे जी। लेकिन क्योंकि विक्रांत की चुल होती है हमेशा गाड़ी चलाने की, कामया बोल रही है इन्हें चलाने दे। देखती हूँ मैं मैनुअल चलाने आती है या नहीं। चैलेंज चैलेंज, चलो लेट्स डू इट। अब तो वी आर ऑल स्विचिंग इट अप। अब तो चश्मा भी पहनना पड़ेगा। गुड स्टफ। All set. I love driving way too much. याद है ना gears कैसे change करते हैं गाड़ी के? Of course. इसका reverse जो है वो दबा के होता है। हाँ, I know. All right then, see you guys. See you. Bye. चल वे गाड़ी, okay.
करो अपनी होस्टिंग स्किल्स दिखाओ। पहली बार कब ड्राइव किया था, डू यू रिमेंबर? और सीखी कैसी थी ड्राइविंग? सीखी तो यू नो व्हाट यूज्ड टू हैपन इज माय फादर यूज्ड टू ड्राइव, ठीक है, तभी ड्राइवर अगर था नहीं, एंड आई यूज्ड टू सिट बगल में, आई यूज्ड टू फाइट अ लॉट, मतलब माय कार वाज दिस, एक मारुति 800 थी, ठीक है, फिर उसके बीच में कुछ साल गाड़ी नहीं थी, हां जी, फिर उसके बाद डेवू की एक मटीज, डेवू मटीज थी उस टाइम के लिए, बहुत स्टाइलिश हुआ था, या वेरी कूल, वेरी कूल, हेड ऑफ स्मॉल क्यूट कार, छोटी सी गाड़ी थी, तो आई रिमेंबर एग्जैक्टली, आई रिमेंबर वेरी वेल एग्जैक्टली व्हेन आई ड्रोव फॉर द फर्स्ट टाइम, ईयर 2000, Y2K, Y2K दुनिया खत्म होने वाली है, दुनिया खत्म, दिस इज योर जनरेशनल थिंग, या Y2K दुनिया खत्म होने वाली है, तो मेरे डैड ना, एंड आई हैड ऑलरेडी छुपके स्टार्टेड ड्राइविंग, कि डैड दोस्तों की देन थी क्या? दोस्तों की नहीं, अपनी खुद की, अच्छा, चुल चुल, बिकॉज माई फादर वुड सेंड मी कि नीचे गाड़ी से ये ले आओ, तो मैं जाता था, फिर 5 मिनट ड्राइव करके आता था, एक चक्कर काट के आ जाता, खुद ही, without any driving, 15 that time, और कोई ड्राइविंग का एक्सपीरियंस था नहीं मुझे, मैंने देख देख के ही सीखी है, और मेरे फादर भी कभी ड्राइविंग स्कूल नहीं गए, अच्छा, तो हाँ उन्होंने भी देख देख के ही सीखी, मुझे बहुत शौक था, तो वो देख देख के ही सीखा मैंने, मेरे चाचा मेरे को ऐसे ही बिठा दिया इंडिका में, बोले चला बेटा, मैं बोला हाँ काका ठीक है, नहीं पर कुछ गड़बड़ नहीं हुई कभी? नहीं कुछ गड़बड़ नहीं हुई, तो आई रिमेम्बर 12 बजे न्यू ईयर विश किया सबने एक दूसरे को, उसके बाद फिर डैड ने मुझे बोला कि बेटा गाड़ी में से कुछ ले आओ, मैं गया और फर्स्ट टाइम मैंने बोला कि नया साल है, आज बता ही देता हूं, आज मैं चला ही लेता हूं गाड़ी, तो फिर एक पहले रिवर्स मारा, फिर एक यू टर्न मारा, फिर लेके वापस आ गया गाड़ी। शुड वी डू ड्राइवोमीटर? या व्हाई नॉट, व्हाट इज दैट? सो ड्राइवोमीटर इज अ स्पेशल सेगमेंट पावर्ड बाय स्कोडा, इट्स अ रैपिड फायर ऑफ सॉर्ट्स, ठीक है, ओके। रोड ट्रिप्स या कैचिंग फ्लाइट्स? कैचिंग फ्लाइट्स। ओ या एसयूवी और सेडान? एसयूवी। तो माउंटेन्स या बीचेस? माउंटेन्स। ड्राइवर सीट और पैसेंजर सीट? ड्राइवर सीट। एनीवे तो ले लिए आपने। हूज ऑन द प्लेलिस्ट, यू आर द वाइफ? प्लेलिस्ट? हां वाइफ। रियली? वाइफ। डू यू हैव लाइक अ फेवरेट सॉन्ग दो? अभी तो बहुत है यार, आई एम तो ट्रिपिंग ऑन दैट भेड़िया का सॉन्ग। कौन सा वाला? तू मेरा होके ना समथिंग है ना, तू मेरा कोई ना होके नहीं कुछ लागे, आई एम ट्रिपिंग ऑन दैट। और गा के दिखाओ थोड़ा। लिरिक्स नहीं आता यार मुझे, गुनगुना दो कुछ ऐसा गाना जो आप गुनगुनाते रहते हो, ये बताओ। चलो अभी तो ये पिछले एक हफ्ते से यही हो रहा है, और हम शूट कर रहे थे अभी, आई टोल्ड यू ना हसीन दिलरुबा की शूट चल रही थी, तो सनी एक दिन मुझे कहता कि भाई ये क्या, सनी कौशल, क्या गाना डाल दिया है मेरे मुंह पे, पूरा पूरा दिन हम लोग यही मतलब गुनगुनाते रहते थे, फिर एक टाइम पे इरिटेशन हो जाती थी यार कि बस चेंज चेंज नाउ, दो दो तीन तीन दिन यही चल रहा है गाना दोनों पे, एंड देन ही वुड स्विच टू हिज पंजाबी म्यूजिक, या लाइक व्हाट वुड ही स्विच टू लाइक डू हैव यू हर्ड हिज प्लेलिस्ट? नहीं यार, वो और विक्की दोनों तो मतलब पंजाबी रैप पॉप हिप हॉप सब सुनते हैं ना। वाह यार, तो ये हो गया आप लोगों का सेगमेंट जो रैपिड फायर सेगमेंट था। मेरे पास और क्वेश्चंस हैं। हाँ तो पूछो। द फेवरेट प्लेस फॉर योर रोड ट्रिप्स? फेवरेट प्लेस फॉर रोड ट्रिप्स, आई हैव डन इनफ ऑफ यूरोप, मतलब आई हैव डन फ्रांस स्पेन, आई हैव डन फ्रांस इटली, आई हैव डन ऑल ऑफ दैट, बट लेटली ड्राइविंग विद इन द कंट्री इन इंडिया इज इनक्रेडिबल। या आई लव माय इंडिया, आई लव माय इंडिया, मेरा भारत मान। नहीं नहीं, कर्ली टेल्स का आईपी भी है इसलिए मैंने कहा। या इट्स कॉल्ड आई लव माय इंडिया, आई लव माय लंदन, देखा पेरिस, देखा लंदन, देखा पेरिस, देखा, बट आई टोल्ड यू मथुरा टू आगरा, दो इट्स अ वेरी शॉर्ट ड्राइव, डेढ़ घंटे की ड्राइव है, बट दिल्ली आगरा यार भाई, पूरा यूपी, पूरा यूपी गजब हो गया भाई, पूरा यूपी डेडली हो चुका है एकदम। ताजमहल गए? बहुत यार थक गया। अच्छा, मैं सुबह सुबह जाने का भाई, अर्ली मॉर्निंग, बिफोर सनराइज, इनफैक्ट बिफोर सनराइज, मतलब वो जब खुलता है ना, द्वार खुलते खुल जाओ उसमें, ब्रेक ऑफ डॉन इज मैजिकल, आई हैव सम इनक्रेडिबल पिक्चर्स आल्सो, फुल मून नाइट के दिन भी, फुल मून नाइट के दिन प्लीज ट्राई, मैं जाने वाला था, इट चेंजेस कलर माय भाई, व्हाट चेंजेस कलर? द ताज, या रियली, ऑन अ फुल मून नाइट द मार्बल रिफ्लेक्ट्स अ डिफरेंट लाइट, बट दे डोंट लेट यू टेक योर फोन्स एंड ऑल, दे डोंट आपको फोन अपना जमा, हम तो अपना मतलब कर ली टेल्स और मैशेबल का वो थोड़ी सी परमिशन है। वाओ, अब हमारे साथ चलो, अब हमारे साथ चलो, ले चलो यार, प्लीज प्लीज ले चलो, घूमना पसंद है आपको? बहुत
बहुत मतलब दैट इज वन थिंग आई रियली रियली मिस आल्सो यू नो बिकॉज ऑफ वर्क कमिटमेंट्स एंड अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स वो एक चीज है जो मैं अपनी लाइफ में बड़ा मिस करता हूं अभी व्हिच इज ट्रैवलिंग बट व्हाट काइंड ऑफ एक्सप्लोरर आर यू ऑल बिकॉज़ वी गो समवेयर एंड वी ईट एक्सप्लोरर तो नहीं है को मतलब ऐसे यू एक्सप्लोर प्लेसेस व्हेन यू ट्रैवल ऑफ कोर्स बट लाइक व्हाट इज योर जोन जस्ट चिल स्पेस है यार मतलब जैसे शीतल नो एजेंडा हां मतलब दो आई एम समवन हु इज वेल प्रिपेयर्ड फॉर माय ट्रिप्स नोइंग कि अच्छा ठीक है यू नो हम ये तारीख वहां हैं ये करने वाले वो करने वाले बट ऐसा कोई एजेंडा नहीं होता है तो सुबह कभी भी उठोगे ऐसा स्ट्रिक्ट आइटिनरी वाले नहीं हो आप लोग मतलब है फ्री ब्रेकफास्ट हु वांट्स टू मिस अ फ्री ब्रेकफास्ट हैवन बट हमने 10:55 को उठते भाई हां ब्रश किए फट करके गए सब ऑर्डर फ्री ब्रेकफास्ट नहीं मिस कर सकते ठीक है शीतल इज वेरी चिंदी इन दैट केस वी ऑल आर आई थिंक आई एम कमिंग आई डोंट नो नो आई एम समर कीप स्लीपिंग मैं जाके ब्रेकफास्ट खा कर आती हूं वो भी यही करती है देयर आर डेज व्हेन आई एम स्लीपिंग शी डज दैट बट मोर ऑर लेस हम साथ में जाते हैं ब्रेकफास्ट या कुछ खा लेते हैं नो स्ट्रिक्ट एजेंडा यार अभी जैसे I'm craving to go to Goa यार imagine Goa पहले इतना frequently हम लोग जाते थे हाँ you you कल आई हूँ Goa से कल ही आया हूँ कल ही आई Goa से she loves Goa I love Goa यार I'm missing Goa पता है और ये गर्मी जैसे जो शुरू हुई है ना you know you need the shack and the beer and the fish best जिंदगी calamari और अभी तो इतनी नई जगहें आ गई हैं I don't know when was the last time you went But now there are so many new places. You will see like Goa in a new light altogether. यार अभी तो work काम के लिए ही होता है पता है फिर वो बहुत बुरा भी लगता है अपने लिए कि सुबह जाके रात को आ रहे हो सुबह जाके अगले दिन वापस आ रहे हो But Goa नहीं किया तो agenda free जाओ जैसे आप कह रहे हो take a shack yeah. pick up a beer and both शीतल and I मतलब love food and you know love our chilled beers and you know कभी music हो गया कभी कुछ हो गया honeymoon के लिए कहाँ गए Didn't happen. Sorry. Same. Sorry. दुखती रखने मैंने हाथ रख दिया नहीं मुझे मुझे उसका टेंशन नहीं है मुझे इतना बुरा नहीं लग रहा है ये एपिसोड शीतल देखेगी और ये चलो भाई मेरे को बहुत सुनाती है वो यार और ये देखिए बनता भी है ना मैंने पिछली बार पार्ट टू की प्रपोजिशन रखी थी मैंने पिछली बार पार्ट टू की प्रपोजिशन रखी थी ये कामयाब बैठी है आपके साथ अगर आप लोग को चलेगा एक कैमरा साथ में आए जो देख रहे हैं वो एक दिन ला दीजिए हम इनको हनीमून करवा देंगे ठीक है भाई करेंगे करेंगे करना है यार टाइम ही नहीं मिल रहा है हम आपको दो दिन एक्स्ट्रा आपके चीज के लिए भी देंगे कंटेंट हम बना लेंगे अलग से सुंदर सुंदर पोज दे देना आप हाँ मतलब बहुत लोग बोलते हैं यू नो कि वी विल स्पॉन्सर योर होटल्स वी विल स्पॉन्सर योर एयरबीएनबी दिस एंड दैट एंड शीतल हेट्स इट शी लाइक कोई जरूरत नहीं है कोई जरूरत नहीं है वो प्यार से देते रहे प्यार से देते हैं पर वो थोड़ी सी अजीब सी है सारी मैं तो ले लूंगा आई विल टेक इट और काम के सिलसिले में क्या-क्या चल रहा है वी नो गैसलाइट इज कमिंग व्हाट एल्स इज हैपनिंग आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू क्राइम पेट्रोल होस्टिंग हां या आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दैट टू होस्टिंग क्राइम पेट्रोल फॉर तो ये भी अभी ओटीटी पर आएगा ओटीटी पे ही ओके ओटीटी पे ही आएगा ओटीटी के किंग है विक्रांत मासी मैं बोलता हूं थैंक यू यार लेकिन ऐसा कुछ है नहीं सच बताऊं तो हर ओटीटी पे निकल जाते हो भाई बट यू नो आई एम रियली ग्रेटफुल हैड ओटीटी नॉट बीन देयर ना या बहुत सारी चीजें यू नो द काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज एक्टर्स राइटर्स डायरेक्टर्स क्रिएटिव आर्टिस्ट्स हैव गॉट इन द लास्ट 5-6 इयर्स आई थिंक इट्स बीन रेवोल्यूशनरी इट्स लाइक अभी थोड़े दिन पहले हॉटस्टार पे एक फिल्म आई थी गुलमोहर Of course, should watch it. It's of course, I've seen it. Fabulous film. Manoj Bajpayee. Bula diya mere ko to. Fabulous film. The aisi cheezon ko kahan space thi pehle? You know, and then you have people like Manoj sir, you know, Sharmila ji, all these guys, the fabulous ensemble coming together. अरे सूरज शर्मा इस पिक्चर में होगा. Yeah. सिद्धार्थ कोसला म्यूजिक दे रहा है भाई. Yeah. ये कहाँ होता था पहले? But work wise, yeah, there is Gaslight coming out, and I'm really, really excited about it. Then I just finished the thing. अभी चली रही है shooting. The second schedule will begin in a. I begin in a week. Is Vinil Matthew an extreme perfectionist? Extreme perfectionist तो नहीं होता है थोड़ा सा flexible है, but steadfast है बहुत. He's very steadfast. He knows what he wants. He also knows what he does not want. Hi Vinil. I miss you Vinil. Please cast me again. I love him. Yeah, he's too good. यहाँ से राइट लेंगे हम यहाँ से
जी, आपका आज तक का फेवरेट कैरेक्टर या फेवरेट फिल्म? फेवरेट कैरेक्टर अब तक तो आई थिंक फेवरेट कैरेक्टर इन फिल्म आई डिड दिस फिल्म कॉल्ड अ डेथ इन द गंज. यस, आई थिंक शूटू रिमेन्स माय फेवरेट कैरेक्टर. ओके, एंड या डेथ इन द गंज रिमेन्स माय फेवरेट फिल्म बिकॉज़ आई एम सो प्राउड ऑफ दैट फिल्म. लोकल ट्रेन ली क्या भाई फिर अपन रिसेंटली में कभी? हां हां, लेते रिसेंट में भी. वाह यार, क्या बात कर रहे हो यार, बहुत कन्वीनिएंट है यार. एक्सट्रीमली. अब जैसे मैं अब मंड में हूं, बट मैं अभी जैसे मेरी टाउन में शूट थी कुलाबा में, तो जेट्टी पकड़ के इधर आए, फिर यहाँ पे ड्राइवर बाइक से लेके वर्सोवा मेट्रो, हाँ जी, मेट्रो टू अंधेरी स्टेशन, बेस्ट, वहां से ट्रेन लेके सीधा इन 1 hour 20 मिनट्स यू आर इन कफ परेड. बड़ गए बड़ गए. कौन जाएगा यार 2.5 घंटा रोड से? बाइकर्स नो हाउ टू सेव टाइम. या या और ट्रेन कल्चर है, एक अलग जिंदगी है, वो मजा आता है. मतलब हाउ डज इट मैटर कि तुम, मतलब समथिंग जस्ट कैन नॉट बी टेकन अवे फ्रॉम योर सिस्टम यार. कैन नॉट बी टेकन अवे भाई. एसी वैसी लोकल तो किल हो गया अभी ना. अभी एसी आ गई है ना, लोकल उसमें नहीं बैठा हूं मैं अब तक. मेरे को बहुत चूल्हे उसमें बैठने का, अब तक नहीं बैठा उसमें. पर वो जो दोपहर की गर्मी की जो हवा जो पड़ती है ना खिड़की पे या दरवाजे, उसकी बात ही कुछ और है. हीरो है भाई अपन से, तब विंडो सीट मिल गया तो अपन को हीरो टाइप फीलिंग आता है. तो फर्स्ट क्लास में ही मतलब ट्रैवल करता हूँ अगर होता है तो. भाई आप यूपी होके आए हो तो हम यूपी के स्लैंग्स के बारे में चर्चा ना करें, ऐसा हो ही नहीं सकता. कुछ नया सुने क्या? यार जो जो सुना है ना वो कैमरे में बोल नहीं सकते हैं. और वैसे भी लास्ट टाइम भी ऐसी ऐसी चीजें मैंने बोल दी थी कैमरे पे यार, वो हम लोग रील में रिलीज करेंगे. या या, इधर लेफ्ट ले लो. द प्रॉब्लम इज ना कि व्हेन आई मीट यू सिड, आई स्टार्ट टॉकिंग अ लॉट. अपना कुछ है भाई ऐसा, हम लोग डाल के लाते हैं हवा में. गाड़ी अच्छी चला लेते हो. चलो थैंक यू, फुल मार्क्स. थैंक यू भाई, ये तो फुल खाओगली हो गया. या अलग लेवल सीन है इधर तो. वाओ, ड्राइविंग अप्रूव्ड? ड्राइविंग अप्रूव्ड. मैनुअल मैनुअल चला लेता हूं. अच्छी चला लेते हो आप, अच्छी चला लेते हो. चलो सर, आप लेके जाना चाहते हैं? आप वांट टू हायर मी एज अ ड्राइवर? प्लीज यू कैन, आई वुड लव टू. मतलब कोई बहुत ही करोड़ोंपति खरबोंपति आदमी होगा जिसके पास रोल्स-रॉयस है या बेंटली है, मुझे बुला लें, मैं आ जाऊंगा. चलिए, कैसा लगा भाई आपको? वैसे हम लोग खाने का सेगमेंट डालेंगे बट कंक्लूजन अभी यहां कर लेते हैं. आई लव मीटिंग यू गाइस. Yeah. हम बताओ अच्छी अच्छी बातें हमारे में जो बोल लेते. हम तारीफ सुनने के लिए तैयार हैं. नहीं, it's always lovely meeting the both of you, and it's so like मेरा तो पहली बार है that you guys have started integrating. Yeah. It's so wonderful. मुझे शीतल बता रही थी कि you know now you guys do it together. We do sometimes. Yeah. And it rare but individually also, you know, I'm meeting you after a very long time. Yeah. But I love you, Sid. I love you, brother. It's always incredible talking to you. मैं वही कह रहा हूँ ना कि your the moment I meet you, I talk so much. I would never say things that I otherwise, you know. Part 3 ke liye 1000 comment, fir UP ki slang nikalwaunga. So it's always lovely meeting you guys. Matlab aur koi promotion ya koi obligation wali feel nahi hai tum logon ke sath yaar. Apan baat ke bhai. Thank you yaar. Thank you. Ab aapne itni tareef ki, aapko masala dosa khilate hain. Rava masala dosa. Maine masala bola ya rava bola? Main bhool gaya. Sirf masala bola. Wo main kar raha hu. Rava wala aapke liye. Rava masala dosa. ये क्या ट्रिक है भाई नया? रवा मसाला डोसा नहीं खाया कभी? ओ इट्स यम, मैंने खाया है. क्या भाई, उत्तपम बॉम्बे में रह के रवा मसाला डोसा नहीं खाया कभी? नहीं खाया यार. क्या माँ की आंखें. चलो कटिंग. ओके भाई. तो फुल बटर डाल के कोई कंजूसी नहीं. भूख भी लगी थी, लंच टाइम भी हो रखा है. भूख तो बहुत लगी थी. मुझे लगता है असली खेल चटनी का है. मोमो हो जाए, डोसे हो जाए. Now it's time to switch to a चम्मच. अच्छा, इसमें इसने मसाला भी डाला और सब्जियां भी डाली हैं. इधर ऑप्शन होता था, अभी ये है. मतलब आप सब साइड में ले लो. मुंबई कन्वीनियंस अलग लेवल है भाई, सब चीज साइड में. जैसे ओपन शवरमा आता है, ओपन डोसा, आपको जो चाहिए वो डालो, डाल के खाओ. बट क्या क्या डालते हैं ना ये लोग आजकल, चीज चिली, ये चिकन चिली. अब तो चिकन चिली डोसा आ गया. एक है चॉपसी डोसा,
चॉपसी डोसा, सेजवान डोसा। हाँ वो सेजवान डोसा तो मिलता ही है। वो सिलेंडर वाला डोसा खाया आप लोग ने? देखा है बुर्ज खलीफा डोसा, यू नो अबाउट दैट? बुर्ज खलीफा डोसा ऐसे टावर्स बनते हैं। वाओ, आई रियली नीड टू अपडेट माय सेल्फ यार। But there's this really good khaugali in Ghatkopar. I don't know if you all have been. I've been. It's one of the best khaugalis in Mumbai. If you live in Maladi, you go to the Kandivali khaugali, na? Mahavir Nagar. Bhai, udhar ka fafda jalebi. Jalebi wala aur Shri Ram sweets. Shri Ram ka to pata hai? Pata hai na. But nothing beats Sahin Matonga, yaar. Guru Kripa, samosa. What else? Sain Matunga mein kaun sa? Nothing beats. For South Indian or? For South Indian. Then even in Sain if you go, the misal you get there. We have jeera soda and black drink. Rumal, jeb mein hamesha rakhna chahiye. Cheers, cheers. Cheers, I'll just do a photo. Cheers. And that was the Bombay Journey and the Sunday Brunch. With Vikram. Thank you guys. Thank you. Thank you. So much. Thank you. Great food. Great life. Great food, great life. Bas garmi thodi zyada hai. So this was me, Sid, signing off on the Bombay Journey. And Kamya Jani signing off. Okay, wait. And this is Vikrant Massey signing off from the Bombay Journey. And the Sunday brunch. And don't forget to watch Gaslight on Disney Plus Hotstar on the 31st of March. Trust me, you're gonna have a good time watching it. Bye. Okay, bye.